हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये लेसन प्लान से रिलेटेड है। आप लोग को सभी को, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में हो आप या सेकेंड ईयर में हो, लेसन प्लान आपको बनाना सीखना ही होगा और आपको बनाना भी होता है। तो किस तरह से एक्चुअली में लेसन प्लान का फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए और कौन सा फॉर्मेट जो है फॉलो करोगे तो ईजी रहेगा, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बात पहले बता दूं मैं आपको, लेसन प्लान का बहुत सारा फॉर्मेट होता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आपको जिस तरह से ईजी लगे उस तरह से आप बना सकते हो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं, जो कि होनी ही चाहिए, उस चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आइए देखते हैं कि लेसन प्लान हम बनाएंगे कैसे। उससे पहले अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो सीटेट का सेकेंड बैच जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है आपको। चलिए देखिए, लेसन प्लान है ये सभी सब्जेक्ट के लिए। आप लोग सब्जेक्ट वाइज पूछोगे, देखो सभी सब्जेक्ट में ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लिखना क्या होता है, यहाँ तक तो ये कंपलसरी है, यहाँ तक सभी को कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सबसे पहले नेम डालोगे, स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो वहाँ का नाम। आपको इंटर्नशिप जब आप करोगे तो आपको जो है स्कूल अलॉट किया जाता है ना, तो वहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम डालना होता है लेसन प्लान में। फिर उसके बाद से आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, मान लो कि स्कूल जो है आप ले लो DAV है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप मान लो कि आप जो है इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हो, इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ाने क्या जा रहे हो, तो नाउन पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। टॉपिक आपका हो गया नाउन। अब यहाँ पर आप लिखोगे डेट, डेट आपका जो होता है वो डाल दोगे, समझ लो आज 3 है तो आज ही का डेट हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद से जो है क्लास, किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, मान लो कि 5th क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, 5th को। पीरियड आपका कौन सा है, फर्स्ट पीरियड एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड है। ड्यूरेशन तो वही है, 35 मिनट्स रहता है या 40 मिनट्स रहता है, तो 35 मिनट्स ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ें फिक्स है, ये आपको ऊपर का फॉर्मेट है और ज़्यादातर मार्क्स जो है इस फॉर्मेट पर भी मिलता है, तो इसको ध्यान से बनाना है। ये हो गया। उसके बाद नीचे आपको किस कैसे स्टार्ट करना है, नीचे स्टार्ट करना है ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य। देखो तो उद्देश्य जो है दो तरह के होते हैं, कौन कौन, एक तो होता है जनरल, यानी जिसको हम सामान्य बोलते हैं, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य यानी कि आपके इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने से बच्चों का क्या होगा वो उससे रहेगा, ठीक है। फिर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य है ये, विशिष्ट। तो ये विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होता है ये रिलेटेड टू आपके नाउन रहेगा, नाउन से जो है क्या क्या फायदे होते हैं, नाउन को जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्या कर पाएंगे, नाउन का डेफिनेशन कैसे सीख पाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये दो आपको उद्देश्य में डालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल और एक हो गया आपका स्पेसिफिक। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होता है वो आता है टीचिंग एड्स पे। टीचिंग एड्स में आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, तो देखो नॉर्मली हम लोग तो आप जान ही रहे हो मार्कर, अगर कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो तो मार्कर आप यूज़ कर ही रहे हो। अगर मान लो नाउन पढ़ा रहे हो तो उसमें कुछ आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो, तो कुछ मटेरियल का मान लो चार्ट यूज़ कर रहे हो तो मटेरियल्स चार्ट आप लिख सकते हो, तो इस तरह से इट्सेट्रा करके लिख देना है। तो ये हो गया आपका क्या, टीचिंग एड्स। नेक्स्ट है आपका मेथोलॉजी, कौन कौन सा मेथड जो है पढ़ाते टाइम में यूज़ करोगे। देखो कॉमन मेथोलॉजी को लिखना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो सभी में यूज़ होता है। तो सबसे पहला तो एक मेथड जो सभी में यूज़ होता है वो आपका हो जाता है लेक्चर मेथड। सो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे टीचिंग मेथड से कि हमें टीचिंग मेथड जो है कौन कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। टीचिंग मेथड वही लिखना जो कॉमन होते हैं, जो सभी सब्जेक्ट में लिखने होते हैं, ऐसे कोई एक्स्ट्रा आप कर रहे हो और आपको पता है तो आप लिख सकते हो। जिसमें कॉमन टीचिंग मेथड कौन कौन से, लेक्चर मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, ब्लैक बोर्ड मेथड होता है, तो ये सारा जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। 2 से 3 लिख करके इट्सेट्रा दे देना है। तो ये हो गया आपका टीचिंग मेथड के बारे में। फिर उसके बाद से आपको लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो स्टूडेंट को, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो अभी आप क्या पढ़ाने वाले हो, नाउन, तो नाउन से जो है रिलेटेड आपको क्या है कि आप उसमें सारे प्लेसेशन ये सब के बारे में पर्टिकुलर पढ़ाने वाले हो, तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे कि प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट प्लेस नेम थिंग्स, वो क्या है,
प्लेस क्या होता है, नेम क्या है, थिंग्स क्या है, इसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपने प्रीवियस नॉलेज पे लिख दिया बस। अब वहां के बाद से आपको फॉर्मेट पे आ जाना है। ये सारे नेसेसरी चीजें हैं जो सभी में होगी, ये भी होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अब जैसे इंट्रोडक्शन हो गया तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे प्रस्तावना, हिंदी में बोलते हैं, इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी लिखा हुआ लिखना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखना है। देखो हिंदी वाले स्टूडेंट थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पीपल टीचर्स एक्टिविटी में, इसमें क्या होता है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन स्किल का मतलब होता है कि उसमें आपको अपना टॉपिक जो है स्टूडेंट से पहले क्वेश्चन करके ही निकलवाना है। मीन्स कि आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो तो उसके लिए स्टूडेंट से क्वेश्चन करोगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो एकदम नॉर्मल लिखा रहता है जिसका कि स्टूडेंट आंसर जानते हो और रिलेटेड टू आपके टॉपिक होना चाहिए। आप उनसे पूछोगे डू यू नो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो जहाँ पे वो भी रहते हैं वहाँ का जो है नाम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूछोगे हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो लिख देंगे, वो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा हु इज द किंग ऑफ जंगल, जंगल का किंग कौन है, तो लायन। तो इस तरह से जो है वो सारे आंसर करेंगे। उसके बाद से आप बोलोगे कि यहाँ पे हो गया प्लेस का नाम, यहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम, यहाँ पे लायन, तो ये दिल्ली मोदी लायन ये किस कैटेगरी में आता है आपको पता है, इसको हम लोग जो है आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को आप बताओगे कि ये है नाउन, तो नाउन आप पढ़ाने वाले हो। तो यहाँ पर हो गया आपका इंट्रोडक्शन स्किल खत्म। अब इस इंट्रोडक्शन स्किल के बाद जो है आपको कौन सा करना है, इस इंट्रोडक्शन स्किल के बाद आपको प्रेजेंटेशन कर देना है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, उसमें बस फॉर्मेट बनाना है एंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको वो कर देना है। तो वो बस वही लास्ट प्रोसेस रहता है। इसी तरह से आपको लेसन प्लान बनाना रहता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हो, ये कभी भी मैटर नहीं करेगा कि आपका किस सब्जेक्ट का है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हर जगह पे यूज़ करनी है। थोड़ा सा फॉर्मेट आगे पीछे होता है लेकिन आप लोगों का जो है ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंटेशन। अब हमारा आ जाएगा कि हम क्लास में जा कर के किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर भी फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट फिर से मैं बता दूँ, हर जगह पर जो है अलग अलग फॉर्मेट बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हम लोग जो है मेन ऐसा फॉर्मेट लेंगे जो हर जगह पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे पहला इसमें हम लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, मतलब जो आप पढ़ाने वाले हो उसमें पहला पहला एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करना है, तो ये हो गया टीचिंग पॉइंट। यहाँ पे आप अपने लिखोगे अपना, यानी कि आप जो एक्सप्लेन करोगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं पीपल टीचर्स, जो स्टूडेंट बीएड की डिग्री ले रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको पीपल टीचर्स बोलते हैं, मतलब कि वो छात्र अध्यापक, हिंदी में क्या बोलते हैं छात्र अध्यापक, छात्र भी हैं और अध्यापक भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखोगे एक्टिविटी, ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी या पीपल्स एक्टिविटी, आप जो भी लिख सकते हो एक्टिविटी। और यहाँ लास्ट वाले एक और कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ पे लिखोगे ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड पे भी आपको करना होगा, इसलिए ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, बस यही तो करना है। अब इसके बाद जैसे जैसे एक्सप्लेन करना है, दो से तीन पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना। पहला पॉइंट में आप जो है नाउन का डेफिनेशन दे देना बच्चों को, डेफिनेशन करके तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख दोगे, नाउन क्या होता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे, समझा दोगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी बातों को, स्टूडेंट क्या करेंगे उस समय, तो आपकी बातों को सुनेंगे, लिसनिंग, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और फिर ब्लैक बोर्ड पे आप जो है डेफिनेशन को राइटिंग, डेफिनेशन राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, इस तरह से ये भी लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप एग्जांपल दोगे, एग्जांपल से सिखाओगे। तीसरे पॉइंट में जो है आप काइंड्स ऑफ नाउन बताओगे, नाउन का क्या प्रकार होता है, और इसमें उसी तरह से है एक्सप्लेन करते जाओगे। ये सारा फाइनल कर दोगे तो हो जाएगा आपका। अब उसके बाद लास्ट में आपको क्या है इवैल्यूएशन लिखना है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब उसके बाद एक आप लोगों का रहेगा इवैल्यूएशन, बस वो इवैल्यूएशन में और होमवर्क दे दोगे आप बच्चों को। तो इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में किस तरह से इवैल्यूएशन लेना है, तो रिटन टेस्ट ले लो या एमसीक्यू टेस्ट ले लो या ओरल टेस्ट ले लो, ज़्यादातर बेस्ट रहता है कि हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद ओरल जो है टेस्ट ले लिया जाए। तो आप यहाँ पे लिखोगे ओरल क्वेश्चन आंसर आप कर दोगे, बस ये आपका हो जाएगा। और आप होमवर्क में दे दोगे बच्चों को क्या,
कि लर्न एंड राइट जो भी क्लास में हुआ है, होमवर्क भी देना होता है, तो होमवर्क में ये आपका फॉर्मेट के नीचे जो है ये इस तरह से लिखा रहेगा, होमवर्क में यहाँ पे लिख दोगे लर्न एंड राइट, बस हो गया। यही आपका है रहा लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट, जो कि हर एक सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो और अपने तरीके से बना सकते हो। अब कोई भी टॉपिक ले सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट का हो, चाहे आप हिस्ट्री है, साइंस है, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए जिसके बारे में आप जानते हो। तो ऐसा करके आपको लेसन प्लान में कम से कम हर जगह पे 20-20 लेसन प्लान बनाने को बोला जाता है। आपका जो टीचिंग मेथड होता है उसी में आप बनाओगे, जो टीचिंग पेपर आपका है उसी से आपको बनाना है। 20-20 बोला जाता है बनाने को, बट यस 10 से 12, 10 से 15 बना सकते हो। हर टॉपिक पे अलग अलग लेसन प्लान बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे लेसन प्लान को लेकर के डिटेल में कि किस तरह से फॉर्मेट, जो इजी फॉर्मेट है, आप फॉलो करके अपना लेसन प्लान खुद बना सकते हो। खुद बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि अगर प्रैक्टिकल में जब जाओगे और वहाँ पे एक्सटर्नल कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे।